छात्राः सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अद्य प्रत्यभिज्ञानम् इति पाठः अस्ति, तस्य अभ्यासं पूरयिष्यामः। ततः पूर्वम् अत्र शब्दार्थाः दत्ताः सन्ति, भवन्तः पश्यन्तु अत्र शब्दार्थाः सन्ति, तो शब्दार्थान् भवन्तः पश्यन्ति। अस्तु, प्रत्यभिज्ञानस्य शब्दार्थान् भवन्तः लेखिष्यन्ति। एकवारं दर्शयामि अहम्, एतान् शब्दार्थान् लिखित्वा एव वयं प्रथमं प्रश्नं लेखिष्यामः। प्रथमः प्रश्नः किमस्ति? प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। यानी कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि भटः कस्य ग्रहणम् अकरोत्। भटः मतलब कहते हैं सैनिक को, ठीक है। तो सैनिक ने किसका ग्रहण किया? अकरोत्। और यानी क्री धातु में किसी भी धातु में यदि पहले अ लग गया तो समझो भूतकाल का द्योतक है, ठीक है। तो भटः कस्य ग्रहणम् अकरोत्, तो उत्तरम लिखिष्यामि भटः कस्य अभिमन्यु का किया ना, तो इसलिए वहां पर उसकी विभक्ति कर देंगे, तो लिखेंगे अभिमन्योः ग्रहणम् अकरोत्। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिमन्यु, ठीक है। तो अभिमन्योः ग्रहणम् अकरोत्, कहा अकरोत्? भटः अकरोत्। कस्य ग्रहणम् अकरोत्? अभिमन्योः ग्रहणम् अकरोत्, ठीक है। प्रश्न नंबर ख पे चलते हैं। ख प्रश्न क्या पूछता है? कहता है कि अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत्, किस प्रकार से ग्रहण कर लिया गया? तो बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं से, किसी अस्त्र इत्यादि से नहीं बल्कि बाहुभ्याम। तो लिखेंगे अभिमन्यु बाहुभ्याम बाहुभ्याम गृहीतः आसीत्, यानी कि भुजाओं से उठा करके, कथम आसाद्य बाहुभ्याम गृहीतः, ऐसा था ना, तो बाहुभ्याम गृहीतः आसीत्। आसीत भी क्या है? भूतकाल का है, था। कैसे ग्रहण कर लिया गया था? बाहुओं से उठा करके, कथम आसाद्य बाहुभ्याम गृहीतः, ठीक है। अब प्रश्न नंबर ग पे चलते हैं। पूछता है कि भीमसेनेन बृहल्लया च पृष्ठः अभिमन्युः किमर्थम् उत्तरं न ददाति। तो जब बार बार बृहल्लला और भीमसेन पूछते हैं उनसे कि आप कौन हैं, ठीक है, आपकी माता कैसी हैं, देवकी पुत्र केशव कैसे हैं, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो अपने आप को क्षत्रिय कुल वंश का उत्कृष्ट योद्धा समझते हैं, और जो पूछने वाले हैं बृहल्लला और कौन भीमसेन, जो कि उसमें बल्लभ नाम के क्या थे, रसोइये थे, उनका कि नीच लोग मेरे से मेरे नाम लेकर कैसे पूछ रहे हैं, तो ये सारा घमंड था उनको, ठीक है। तो इसी घमंड के वजह से वो उत्तर नहीं देते। तो उत्तर लिखेंगे अभिमन्युः उत्तरं न ददाति क्योंकि यतो हि सः वहि अभिमन्यु सः स्वं अपने आप को उत्कृष्ट योद्धा तथा च
उन दोनों को, ठीक है, किन दोनों को, अभिमन्यु भीमसेन और गृहणलला को, ठीक है, तथा च तौ यानी कि उन दोनों को निच्चह निच्चह मन्यते स्म, मानता था। ठीक है, इसीलिए वो उनको उत्तर देना पसंद नहीं कर रहा था। ठीक है, अभिमन्यु उत्तर न ददाति नहीं देता है, क्योंकि वह अपने आप को क्षत्रिय कुल का उत्कृष्ट योद्धा तथा उन दोनों को नीच मानता था और नहीं मानता था कि मैं इनका उत्तर दूं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न पर गौ का उत्तर हमने दिया। आगे चलते हैं 23 नंबर पे। अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचिता इव अनुभवति, यानी कि अपने को ठगा हुआ सा क्यों मानता है। इसका उत्तर इसमें है कि वंचयित्वा गृहीतवान, अतः अशस्त्रोयम् माम वंचयित्वा गृहीतवान। तो क्यों अपने आप को ठगा हुआ सा अनुभव कर रहा था? यतो ही, क्योंकि सह अशस्त्रः गृहीतः आसीत्, अशस्त्रः बाहुभ्याम् एव गृहीतः, अतः इसलिए वंचितः इव अनुभवति, इसलिए अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। वंचितः इव अनुभवति, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर घ। अब आते हैं ङ, लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न कहता है कि कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणं सुखान्तं मन्यते, किस कारण से, कस्मात् कारणात् मतलब किस कारण से, अभिमन्युः मतलब अभिमन्यु, गोग्रहणं यानी गायों को लूटना, गायों को चोरी करना, सुखान्तं मन्यते उसका अंत सुखपूर्वक होता है ऐसा क्यों मानता है, क्यों मानता है, क्योंकि इसी को ग्रहण के कारण से उसको अपने पितरों के दर्शन हो गए थे, इनके पिता के, ताऊ जी के, माता जी के, ठीक है, ज्येष्ठ माता के दर्शन हो गए थे। तो इसलिए तो लिखेंगे उत्तर पितर दर्शन कारण, ठीक है, पितर यानी कि सभी पिताओं के, ठीक है, पितर दर्शन कारणार, क्योंकि उसी से हुआ था, क्या हुआ था उनको, उनके दर्शन हुए थे, कारणात् अभिमन्युः अभिमन्युः गो ग्रहणम् सुखांतम मन्यते, गायों का ग्रहण को सुखांत मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर दो पर। ठीक है, प्रश्न नंबर दो क्या कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम लिखता, यानी कि कोई वाक्य दिया है उस वाक्य में भाव कौन सा है, भाव मतलब जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं जिन भावों को, ठीक है, जैसे हमने क्रोध का भाव, हंसने का भाव, रोने का भाव, तो प्रत्येक वाक्य को देख करके कैसा अनुभव होता है वो बताना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है प्रश्न नंबर दो का क, क्या कहता है प्रश्न, भोः कोनु खनु कोनु खल्वेषः, यहाँ कौन है, येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़िता अस्मि, यानी कि यह कौन है जिसने मुझे पकड़ा, अपने भुजाओं से मुझे नियंत्रित किया और बलाधिकेनापि बहुत अधिक बल होने पर भी न पीड़िता अस्मि, मैं पीड़ित नहीं किया गया हूं। तो यहाँ पर कौन सा भाव है, कह रहे विस्मयः आश्चर्य का भाव है, भयम भय का भाव है, या जिज्ञासा का भाव है, तो बताएंगे आप
कौन सा भाव है? पहले उसमें तो लगता है कि ये जिज्ञासा का भाव है, कि जानना चाहता है कि कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्चर्य भी है कि बल की अधिकता होने पर भी वो उसने गृहित नहीं किया, उसने उसको पीड़ित नहीं किया। ठीक है, तो ये आश्चर्य के भाव की वजह से यहां पर पहले प्रश्न का हम लिखेंगे विस्मय। उत्तर क्या होगा इसका? विस्मय। केवल प्रश्न लिखने के बाद आप उत्तर में केवल विस्मय लिखेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शन लिख कर विस्मय को टिक कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर ख में क्या भाव है। प्रश्न नंबर ख कहता है कि कथम कथम अभिमन्युर नामाहम। ठीक है, कैसे मेरे नाम ले लिया तुमने, फिर से मेरा नाम बार बार ले रहे हो आप। तो आत्म प्रशंसा, स्वाभिमान अथवा दैन्यम, डर क्या है? आत्म प्रशंसा, यानी कि आत्म प्रशंसा के वजह से ही वो चाहता नहीं कि कोई भी मेरा नाम ऐसे ले ले, क्योंकि मैं क्षत्रिय वंशी श्रेष्ठ कुल का हूं। ठीक है, तो आत्म प्रशंसा तो कर नहीं रहा हूं। ठीक है, फेल गई। आत्म प्रशंसा तथा च स्वाभिमान अभी कदाचित अस्ति। ठीक है, तो दोनों ही भाव हो सकते हैं इसमें। ठीक है, दैन्य का तो प्रश्न नहीं उठता। तो प्रश्न नंबर गौ पे चलते हैं। प्रश्न नंबर गौ कहता है कि कथम माम पितृवदा क्रम्यास्त्रिगताम कथाम पृच्छसे। ठीक है, कथम माम, किस प्रकार से मुझसे पितृवदा क्रम्य, यानी मेरे पिता के अधिकारों से मेरी माता के बारे में पूछ लो। ठीक है, तो लज्जा क्रोध प्रसन्नता, तो इसमें क्रोध था। ठीक है, क्रोध के भाव से पूछा उसने, किस प्रकार से तुम पूछ सकते हो, यानी कि आप तो अनजान व्यक्ति हो और किस प्रकार से मुझसे मेरी माता के बारे में पूछ सकते हो, जैसे मेरे पिता हो। ठीक है, इस प्रकार से पूछा, तो लज्जा का तो प्रश्न नहीं उठता और प्रसन्नता तो कुछ है ही नहीं। अगला है, धनस्तु दुर्बल ही एव गृह्यते मम तो भुजौ एव प्रहरणम। यानी कि धनुस्तु, यानी कि धनुस्तु कौन उठाते हैं, जो दुर्बल लोग होते हैं वो उठाते हैं, मेरी तो भुजाएं ही क्या हैं, एक अस्त्र हैं। तो ये बात भीमसेन ने कही थी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अंधविश्वास शौर्य उत्साह शौर्य, ठीक है, वीरता की बात है, इसलिए यहाँ पर शौर्य आएगा, शौर्य का भाव है इसलिए शौर्य। ठीक है, अगला है, बाहुभ्याम आहृतम भीमम बाहुभ्याम एव नेष्यति। तो उसने कहा कि जिस भीम ने मुझे अपने बाहु से उठाकर जो भीम लाया था, वही भीम या वही जो बल्लभ है वही मुझे क्या करेगा, अगर आप मुझसे इतने ही प्रिय हैं, इतने ही मुझे प्रसन्न हैं, ठीक है, मुझे कारागार में नहीं डालना चाहते हैं, तो मुझे वही छुड़ाए, ठीक है, वही मुझे वहां छोड़ गया है। तो आत्मविश्वास निराशा वाक संयमस्य। ठीक है, तो आत्मविश्वास, तो प्रश्न वाक संयम अत्र अस्ति। ये तो निराशा तो होगी नहीं। ठीक है, तो दृष्टिया गोग्रहणम स्वंतम स्वांतम पितरो ये न दर्शिता। ठीक है, तो इस बात में कौन सा भाव है, लेकिन दृष्टिया ये भाग्य से ही है कि हमने गायें चुराई और हमें अपने पितरों के दर्शन हो गए, तो ये क्या हर्ष का विषय है, क्षमा तो होगा नहीं, धैर्य भी होगा नहीं, तो क्या होगा, हर्ष, तो हर्षस्य विषयः, तो हर्ष का भाव हुआ है। ठीक है, प्रसन्नता का भाव। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर दो में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव है ये बताने का प्रयास किया। अब आते हैं, यथास्थानम रिक्त स्थान पूर्ति कुरुता। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, तो रिक्त स्थान का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं संधियां हैं, तो संधि का संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको कृपया। तो प्रश्न नंबर तीसरा, पहला क्या है, खलु धन एषः, वैसे हमने किया भी है, तो खलु धन एषः क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ऊ के बाद ए है, असमान स्वर है, उनके स्थान पर वह हो जाएगा, तो खल व में ए मिल जाएगा, तो वे और सह बन जाएगा खल वे सह, कौन संधि हुई, यान संधि। फिर इसका ख करते हैं, ख क्या कहता है कि बल
बलाधिकेनापि, तो बल धन अधिकेन धन अपि, तो क्या हो जाएगा बल धन अधिकेन, इसमें सब में दीर्घ संधि है ठीक है, अपि। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, विभाति उमावेशम, तो यहां पर विभाति धन उमावेशम, विभाति उमावेशम बन जाएगा, कौन सी संधि होगी, यदि यौ के बाद आधार व्यंजन होगा तो वहां पर यण संधि, उमावेशम विभाति उमावेशम, ई है, ई के बाद उ है ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा इसे विभा तो ठीक हो गया, उसके बाद तो आपको अधूरा कर देंगे क्योंकि इसके स्थान पर यौ हो गया, उसमें उ जोड़ देंगे तो उ मावेशम पूरा लिख देंगे, तो विभाति उमावेशम ये बन जाएगा ठीक है, कौन सी संधि होगी इसमें यण संधि ठीक है। अगला है वाचालयत्वेनम घ, वाचालयत्वेनम कैसे बनेगा, तो वाचालयतु वाचालयतु धन एनम, तो यहां भी वही है, कौन सी संधि है यण संधि है, उ के बाद ए असमान स्वर है तो आधा हो जाएगा वाचालयत्वेनम, उसमें ए मिल जाएगा ठीक है, इस प्रकार से यण संधि। अगला क्या है रुष्यत्येष, तो रुष्यति धन एषा, ये सारे हमने अभी बनाए थे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ाया था ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ चैप्टर के आधार पर, तो रुष्यति धन एषा रुष्यत्येष, इसमें भी कौन सी संधि है यण संधि है ठीक है। अगला यात्विति, तो यातु धन इति ठीक है, इसमें भी यण संधि है। लास्ट है धनंजयायेति, क्या है धनन जयाय धनंजयाय धन इति, तो मिलाकर के कौन सी संधि होगी गुण संधि है, तो याय ओ के बाद ये आया ए हो जाएगा धनंजयायेति, तो कौन सी संधि हुई गुण संधि ठीक है, तो धनंजयायेति, तो लास्ट वाला धनंजयाय है ठीक है। एक बार इसको फिर से लिख देता हूं, शायद ये स्पष्ट नहीं आ रहा आपको ठीक है, धनंजयाय धन इति, यो में ओ है उसके बाद ई है धनंजयायेति। तो प्रश्न नंबर 3 कौन सा संधि विच्छेद हमारा पूरा हुआ ठीक है, तो इससे आगे हम अब कल क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 और 7 को पूरा करेंगे ठीक है। तो तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः श्वः अग्रिमं पाठं आनीय मिलामः, सो नमस्कारः।